आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 255 स्क्वायर माइनस 245 स्क्वायर, इसका आंसर मुझे आप दे एक सेकंड के अंदर। वन, आप इसका आंसर नहीं दे सके, मगर ये जो बच्चा है इसका आंसर एक सेकंड के अंदर दे देगा। इज द वैल्यू ऑफ 255 स्क्वायर 5000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपके पास है एक सेकंड। आप फिर भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सके, मगर ये बच्चा एक सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 कैन बी अरेंज्ड टू स्कॉट 60 इज द करेक्ट आंसर। भाई आप एक सेकंड के अंदर किसी भी सवाल का आंसर नहीं दे सके, मगर ये जो बच्चा है ये हर सवाल का जवाब एक सेकंड के अंदर दे रहा है। अब आप कहेंगे कि यार ये बच्चा कौन है, तो भाई ये जो बच्चा है ये है स्कॉट वू, जो कि सीईओ है, जिनने दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है। मेरे जैसे हज़ारों नहीं लाखों जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो इनकी जो ये इन्वेंशन है इससे काफ़ी जो है शौक हो गए हैं, और इनने जब से ये डेविल लॉन्च किया है आईटी की इंडस्ट्री में काफ़ी जो है ये तहलका मच गया है। और आपको पता है कि जो डेवन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये तकरीबन उसी तरह ही काम कर रहा है जैसे हमारी तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो भाई डेविन जो है एक बहुत ही कैपेबल सिस्टम है जिसकी जो है मिसाल अभी तक हमें नहीं मिलती। तो भाई आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो स्कॉट वू हैं खुद इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये कहाँ कहाँ काम करते रहे हैं, इनकी एजुकेशन क्या है, ये किन किन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते रहे हैं, क्योंकि ये एक सेकेंड में ये डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, और ये जो है इनका मैथ में और प्रोग्रामिंग में काफ़ी ग्रिप रही है। तो भाई सबसे पहले हमने देखा है इनकी जो प्रोफाइल ढूंढी है वो लिंक्डइन के ऊपर ढूंढी है, और लिंक्डइन के ऊपर इनकी प्रोफाइल जब हमने ढूंढी है तो हमारे पास इनका एक्सपीरियंस सेक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है तीन जो है एंट्रीज हुई हुई हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुई हुई है एडीपार एक कंपनी है उसके अंदर, और यहाँ पे इनने काम किया है 1 ईयर और 4 मंथ तक। May 2014 में इनने शुरू किया था और August 2015 में इनने एंड किया। तो भाई हमें जो सेकंड एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है वो है को फाउंडर एंड CTO, और जो कंपनी का नेम हमें नज़र आ रहा है वो है लंच क्लब, और इस कंपनी में ये इनने काम किया है 5 ईयर एंड 1 मंथ। अब आप कहेंगे कि लंच क्लब क्या है? लंच क्लब जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करके लोगों को कनेक्ट करता है। तो अगला जो हमारे पास इनका एक्सपीरियंस सेक्शन में एंट्री नज़र आ रही है वो है को फाउंडर एंड CEO ऑफ कॉग्निशन लैब, और आपको पता है कि कॉग्निशन लैब ही वो कंपनी है जिनने ये डेविन लॉन्च किया है। तो भाई ये जो हो गया इनके एक्सपीरियंस, और अगर हम इनके एजुकेशन सेक्शन की तरफ जाएं तो इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की हुई है, और बाकी जो है इनके कुछ स्किल नज़र आ रहे हैं। तो भाई हम आगे चलते हैं, और एक वेबसाइट है codeforces.com, जो मेरी तरह IT से वाबस्ता हैं, मेरी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या डिवेलपर है या उनका कोई ना कोई कोडिंग से वास्ता है तो इस वेबसाइट का तो उनको पता ही होगा। इसके ऊपर एक ब्लॉग अपलोड हुआ था पिछले अरसे में, और उसका जो टाइटल था वो ये था कि कॉग्निशन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर डेविन द फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, जो codeforces वेबसाइट है, जिन लोगों को नहीं पता, ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन करती है, और ये दुनिया भर के जो टॉप के कोडर और प्रोग्रामर होते हैं वो इस वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे ब्लॉग भी लिखते हैं, और यहाँ पे जो कंपटीशन होते हैं प्रोग्रामिंग के उनमें भी हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉग अपलोड हुआ था उसमें इस डेविन के बारे में बताया गया था। तो अगर हम नीचे मूव करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं जिनने ये डेविन बनाया है। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्कॉट वू हैं, और ये जो है इनके CEO हैं नील वू, ये इनके भाई हैं, और ये भी जो हैं काफ़ी अच्छे प्रोग्रामर रहे हैं। बाकी भी यहाँ पे प्रोग्रामर की जो है इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप यहाँ पे फर्दर देखें तो ये जो सारे प्रोग्रामर इसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं ये सारे ही बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, और इनने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स में या तो गोल्ड या सिल्वर मेडल हासिल किया हुआ है। तो चले चलते हैं हम स्कॉट वू की प्रोफाइल के ऊपर। तो भाई सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर जो टॉप पर नज़र आ रहा है लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर, यही सब कुछ डिफाइंड कर देता है। ये दुनिया के जो हैं सबसे बेहतरीन कोडर और प्रोग्रामर हैं,
और इनकी रेटिंग से ही आपको पता लग जाएगा कि ये कितने जो हैं इनके पास स्किल है, एजुकेशन है और ये कितने जो हैं इंटेलिजेंट है। तो भाई यहाँ पे जो है इनकी कॉन्टेस्ट रेटिंग है 3297 और जो मैक्स रेटिंग रही है किसी भी ग्रैंड मास्टर की वो 3350 ही रही है। इसका ये मतलब है ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, प्रोग्रामर हैं और इनका जो स्किल सेट है वो ही नेक्स्ट लेवल पे है। अगर हम फर्दर नीचे मूव करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कब से इंगेज है, 2011 से ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंगेज है और ये डिफरेंट जो है कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो फर्दर अगर मूव करें इनके जो भाई हैं नील भू और ये भी बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर हैं और ये दोनों मिलके ही अगर हम इनकी पहली वीडियोस देखें तो ये दोनों मिलके जो है डिफरेंट कंपटीशन में हिस्सा लेते रहे हैं। भाई यहाँ पे एक और वेबसाइट है topcoder.com और इसके ऊपर भी इनकी अच्छी खासी प्रोफाइल बनी हुई है और अगर हम नीचे मूव करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 7 times ये फाइनलिस्ट रहे हैं। उसके बाद डाटा साइंस में इनकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में इनकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है और 4th विन हुई हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बताया हुआ है कि भाई विनर रहे हैं, फाइनलिस्ट रहे हैं, तो ये काफ़ी जो है इनकी इस वेबसाइट के ऊपर भी काफ़ी डिटेल है। तो भाई एक और वेबसाइट है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हॉल ऑफ फेम और इनके ऊपर भी इनकी जो है अच्छी खासी डिटेल अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट कॉम्पिटिशन के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देखें गूगल कोड जैम है, उसके बाद फेसबुक हैकर कप है, उसके बाद yandex.algorithm है, टॉप कोडर ओपन एल्गोरिथम है। तो आप ये देखें कि जितने भी कॉम्पिटिशन हुए हैं इनने इसमें हिस्सा लिया हुआ है और गोल्ड जीता हुआ है, किसी में सिल्वर जीता हुआ है, किसी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो एक और जो एक चीज़ स्कॉट वू के रिलेटेड मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि एक तो ये भाई हैं इनके नील भू और स्कॉट वू, ये पहले काम कर रहे थे इसके ऊपर जो लंच बेस हमने वेबसाइट देखी है जो कि AI बेस्ड वेबसाइट थी जो कि लोगों को कनेक्ट करती थी। तो ये जो दोनों लोग थे ये तो वैसे ही काम कर रहे थे, इसमें बाकी में भी इनके जो टीम के मेंबर हैं ये भी इसी कॉग्निशन लैब में इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने ये फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है। मेरे ख्याल से ये एक इंडियन भी भाई हैं, ये भी एक इनके साथ इन्वॉल्व हैं और प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं और इनके बारे में यहाँ पे भी कुछ मेंशन है। तो ये जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छे, मैथ इनकी बहुत अच्छी है, प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए तो ये इन्हें डेविन बनाया है। और डेविन आपको पता है कि IT इंडस्ट्री में जो है इसने कितना अपना नाम बनाया है और फ्यूचर में डेफिनेटली ये जो डेविन है काफ़ी जॉब्स को इफ़ेक्ट करेगा। मैं तो ख़ुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है कि ये अगर इसका पहला वर्जन ही इतना इफ़ेक्टिव है तो बाद में कुछ सालों बाद जो है इसके कितने वर्जन परफेक्ट होंगे और वो कितने अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। तो भाई ये थी कुछ डिटेल्स स्कॉट वू के बारे में और आपका क्या कहना है डेविन के बारे में और क्या अभी तक आपने डेविन यूज़ किया है कि नहीं है और क्या आप समझते हैं कि जो डेविन है क्या वो वाकई ही जो है डिफरेंट जॉब ले लेगा लोगों की ये नहीं, और क्या आप ये समझते हैं कि जो कोडिंग है वो फ्यूचर में बिल्कुल ही ख़त्म होने जा रही है। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।